249 में सियासी जमातों के बायकॉट के बावजूद वोटों की गिनती जारी है। पहले रोज वोट गिनने का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पाक सरजमीन पार्टी और मुतहदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए गिनती का बायकॉट किया। चारों सियासी जमातों ने वोटों के बैग्स पर सील मुहर न होने पर एतराज उठाया। फॉर्म 46 मुहैया न करने पर भी शदीद एहतजाज किया। पहले पोलिंग तनाज़ात का शिकार, अब दोबारा गिनती पर भी तहफ़ुज़ात का इजहार। NA 249 पर तनाज़ात की कहानी तवील हो गई। मिफ्ता इस्माइल के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन ने हलका खोला। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सियासी जमातों के बायकॉट के बावजूद गिनती ना रुक सकी। सुबह आधा घंटा ताखिर से शुरू होने वाली गिनती 15 मिनट बाद ही रोकना पड़ गयी। वोटों की बोरियों पर सील थी, ना उम्मीदवारों को फॉर्म 46 मिला। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने दोबारा गिनती को ड्रामा करार दे दिया। MQM पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और आजाद उम्मीदवार भी हम आवाज बन गए। मुश्तरका दरख्वास्त के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एक एक करके सब बाहर निकल आए। गिनती कुछ देर तातुल का शिकार रही, जिसके बाद अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। मिफ्ता इस्माइल ने गिनती रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, फिर भी बात ना बनी। पहले रोज गिनती का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। दिन ढलने तक चंद पोलिंग स्टेशन के वोट ही गिने जा सके।